वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ गया हूँ जो मैंने सॉल्व कर लिए हैं 100%। तो कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव्स में गलत है तो मैं बता दूंगा आपको। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, तो इसमें से भी उम्मीद है कि अपने जो है लगभग 10 ऑब्जेक्टिव्स के आसपास, जिसमें से 20 आएंगे, बस 20 में से 10 के आसपास बैठने की उम्मीद है मुझे इसमें। उसके अलावा भी अगर मुझे कहीं किसी सोर्स से लगेगा कि मुझे और ऑब्जेक्टिव्स देना चाहिए तो वो भी मैं बाद में बना दूंगा। तो अभी तो ये जो है क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स आप कर लीजिए। और क्वेश्चन बैंक की लिंक मेरे पास नहीं है, तो किसी के पास भी हो तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि कमेंट में आपके लिंक दे देना, तो मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, पहली यूनिट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज़, लीड सल्फेट का केमिकल फार्मूला PbSO4 होता है। ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें से जो है हम Fe को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम को ला रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसको पहचान लेना इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन आए तो एग्ज़ाम में। ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, इस वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। तो इसको भी पहचान लेना इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन आए। और इसकी उल्टी अगर आती है टूटने वाली, तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा। फिर उसके बाद आपका थर्ड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है जब ऑक्सीजन जो है एलिमिनेट होता है, निकलता है, और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसका भी आए तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन डाइजेशन, इनडाइजेशन के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम, तो एंट एसिड बोलते हैं उसको। सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में जो कन्वर्ट कर देता है उसको बेस बोलते हैं। और बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, नॉलेज के लिए बता दूं, आ सकता है एग्जाम में। और वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद में एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू, एसिडिक नेचर जो होता है सब्सटेंस का वो OH आयन की वजह से होता है। एसिडिक और बेसिक कैन बी, एसिडिटी और बेसिसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय पीएच स्केल, पता ही होना चाहिए। और इसमें जो है हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड की मेटल के साथ में तो उसमें क्या रिलीज़ होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, इसका इंग्लिश में ये आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अपन इसका फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ, मिथाइल ऑरेंज इज़ पीएच इंडिकेटर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड अल्कली बोलते हैं उसको हम। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज़ 7, वाटर इज़ अ हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर एक हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना मेटल वाला, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल विच इज़ केप्ट इन केरोसिन, केरोसिन में जिस मेटल को रखा जाता है वो सोडियम है। मेटल कैन बी कट बाय नाइफ, वो भी सोडियम है, नाइफ से यानी कि चाकू से हम किसी मेटल को काट सकते हैं, वो सोडियम मेटल है। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, कम से कम रिएक्ट होने वाला मेटल गोल्ड है, सबसे कम रिएक्ट होता है जो मेटल वो गोल्ड है। द कोरोजन ऑफ आयरन, मतलब आयरन को जंग लगने को हम क्या बोलते हैं, तो रस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद इसके मैच द कॉलम्स हैं, मैच द कॉलम में लस्ट्रस नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो कि चमकता हो, तो आयोडीन चमक मारता है यानी कि लस्ट्रस होता है। लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है इसमें से, तो ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। हाईएस्ट रिएक्टिव अभी बताया था पोटेशियम, और कम से कम रिएक्टिव जो है गोल्ड मेटल होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम, यूनिट नंबर 5, शायद इसमें 4 का नहीं दिया है क्योंकि 4 में जो है ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, तो इस वजह से 4 के ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहला जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन अ पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम पीरियड्स बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। फिर उसके बाद में ऑक्टेव रूल किसने दिया था पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ट्रायड रूल किसने दिया था, तो डोबर नियर ने दिया था, स्पेलिंग याद रखेंगे DOBERIENERS, और ओ में जो है 2 डॉट लगाएंगे ऊपर, तो अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने जो है डिस्कवर की थी, और उसके बाद जो है मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की थी उसमें एटॉमिक मास क्राइटेरिया रखा था, बाकी जितने भी ऊपर के हैं इन्होंने एटॉमिक नंबर क्राइटेरिया रखा था। ठीक है, उसके बाद हम वन सेंटेंस की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स, तो ग्रुप्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 6 एलिमेंट्स होते हैं।
हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर यानी कि उसका डिस्कवरर जो है वो मेंडलीव है। हु गेव ऑक्टेव रूल न्यूलैंड्स ने दिया था। वाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मेंडलीव्स एटॉमिक मास जो है क्राइटेरिया, अभी हमने इसको देखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ऑल ऑफ दीज, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए। जाइलम इन अ प्लांट, प्लांट में जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करता है। और एक बात के लिए मैं बता दूं आपको, फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। एसिड फाउंड इन स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो लीफ में होती है यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं उसमें होती है। फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, फूड जो है फ्लोएम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिलिंदा ब्लैंक्स है, फिलिंदा ब्लैंक्स में ऑल प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं जो कि चैप्टर का नाम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन इज कैरिड बाय जाइलम, अभी बताया था। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन बोलते हैं उसको, यानी कि हार्मफुल जो भी चीज़ें होती है वो बॉडी से निकलने को, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। होलोजोइक मोड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। डैश एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलिवा, सेलिवा में जो है अमाइलेज जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है मैच द कॉलम की तरफ चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम पता ही होना चाहिए आपको। किडनी, किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आएगा क्लोरोफिल, एक्सक्रीशन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन भी एक किडनी का पार्ट है इसलिए एक्सक्रीशन का जो है यहाँ पर नेफ्रॉन आएगा और यहाँ पर किडनी का एक्सक्रीशन आया है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हार्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशन, तो यह है एड्रेनल हार्मोन। उसके बाद स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको सिनेप्स बोलते हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इन द प्लांट, प्लांट में जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, इंसुलिन। फिर जो है फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाते हैं अपने। डैश इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्व सेल, नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट नर्व सेल या फिर न्यूरॉन होता है। डैश प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के लिए ऑक्सिन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। AUXIN इसकी स्पेलिंग है। डैश डेफिशिएंसी लीड्स गोइटर, गोइटर की एक बीमारी है वो आयोडीन की कमी से होती है, जो गले में जो है मोटापन आ जाता है। और उसके बाद में डैश रिफ्लेक्स सेंटर, डैश इज द रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ ब्रेन, तो यहाँ पर ब्रेन स्टेम आएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट है आपका आंसर इन वन वर्ड्स। व्हाट इज द स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल्स के बीच में अभी बताया था सिनेप्स होता है वो। हु कॉइंड द टर्म हार्मोन, हार्मोन जो है किसने जो है सबसे पहले वो नाम बताया था, तो वो है EH स्टार्लिंग, ये जो है इनका नाम है। वेयर इज़ द एडर्नल ग्लैंड लोकेटेड, एडर्नल जो है ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो किडनी में पाई जाती है। इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और सिर्फ ब्रेन भी लिख के आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में आपका आएगा यहाँ पर मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन का आएगा एब्सिसिक एसिड। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर यानी कि जो हीट वगैरह को जो रिसेप्ट करता है वो स्किन होती है। उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर टेस्टेरॉन का आ जाएगा टेस्टिस, और थायरोक्सिन का आ जाएगा आपका थायरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 में से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे इसलिए उसमें से नहीं दिए हैं उन्होंने। द कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिटेड जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड ट्रेड बोलते हैं उसको। द ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। डैश गिव द लॉ ऑफ जेनेटिक, जेर्जो मेंडल इनका नाम है जिन्होंने जेनेटिक्स के लॉज दिए थे। उसके बाद में इन मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस इन F1 जनरेशन द कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड, उसको फर्स्ट फिलियल बोलते हैं, FILI फिलियल बोलते हैं, FILIAL, ठीक है। फिर उसके बाद वन वर्ड्स की तरफ चलते हैं। वन वर्ड्स में सबसे पहला है आपका फादर ऑफ जेनेटिक, तो ग्रेगोर मेंडल जो मैंने अभी आपको बताया था। फुल फॉर्म ऑफ DNA RNA, तो DNA का फुल फॉर्म होता है deoxyribonucleic एसिड, स्पेलिंग देख लीजिए DEOXYRIBONUCLEIC और एसिड, तो deoxyribonucleic एसिड आ जाएगा और RNA का आ जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी हटा देंगे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज अलील, अलील का जो है हमें डेफिनेशन देनी है यहाँ पर, तो इसमें आ जाएगा वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन दैट आर फाउंड एट सेम प्लेस ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड अलील। उसके बाद में जो है डिफरेंट बिटवीन, हमें एक डिफरेंट बिटवीन देना है जीनोटाइप और फिनोटाइप में, तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर जीनोटाइप कैन इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, ये नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी कैरेक्टर का कैरियर जो है उसको जीन्स बोलते हैं।
द ह्यूमन आर्म लिम्स वगैरह बर्ड्स विंग्स, इसको जो है हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। कैरियर ऑफ हेरिडिटी, इसमें थोड़ा सा हो सकता है गलत दे दिया हो, इसमें कन्फ्यूज़न है। तो अगला हम देख लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का आ जाएगा आपका वाई क्रोमोसोम, और उसके बाद में जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इसका आ जाएगा आपका यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 10 है आपका रिफ्लेक्शन। उसमें सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर वन वर्ड आ जाएगा। तो वन वर्ड में लेंस का फॉर्मूला लिखना है, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V - 1/U। तो लेंस में माइनस आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, जो कि नीचे आ रहा है अभी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, DIOPTRE आता है आखिरी में, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वाला जो नियम है μ = sin I / sin R, ये जो है स्नेल ने दिया था, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, SNELL, इस बात को याद रखेंगे, स्पेलिंग याद रखेंगे। डिफाइन कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर किसको बोलते हैं, तो स्फेरिकल मिरर को कर्व्ड मिरर बोलते हैं। और राइट द फॉर्मूला फॉर मिरर फॉर्मूला लिखना है अपने को, तो 1/F = 1/V + 1/U मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला है जो है चूज द करेक्ट, इसमें सबसे पहला चूज द करेक्ट है आपका इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है, जो आँख का जो रेटिना स्क्रीन होती है उस पर उल्टी इमेज बनती है। उसके बाद ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एटेन, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज ह्यूमन आई कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। उसके बाद वेन फार ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली, जब दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है लेकिन नियर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है, तो उसको जो है मायोपिया कहा जाता है, बल्कि मायोपिया नहीं कहा जाता होगा, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो शॉर्ट साइडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होगा। विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन, आई डोनेशन में कौन सा पार्ट दिया जाता है, देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। कॉर्निया, आई का जो कॉर्निया पार्ट है वो आई डोनेशन में डोनेट किया जाता है, जब भी आई आँखें दान की जाती है जब। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड, तो वन वर्ड में सबसे पहला है ऑन विच पार्ट ऑफ आई इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज रेटिना पर बनती है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, चाहे वो प्रिज्म में से पास हो चाहे ग्लास स्लैब में से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आंसर आएगा। लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट नॉर्मल विजन, तो उसका 25 सेंटीमीटर अभी बताया था। टिंडल इफेक्ट हमें जो है यहाँ पर डिफाइन करना है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर छोटी सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम पासिस थ्रो कोलाइड, कोलाइड से जब लाइट बीम पास होती है जब, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम जो है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज इन शेविंग ग्लास, शेविंग ग्लास में कौन सा जो है कांच मिरर इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका एक आंसर भी आप बना लें कि यूज़ आ सकते हैं आपको 2 मार्क्स में, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, तो एक यूज़ आप ये लिख सकते हैं कॉन्केव मिरर का। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये सारे कर रहा है, और बी वाला जो है इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी कि I² भी जो है इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट करता है, VI भी करता है, और V² / R भी करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर ये बी वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हमेशा पावर बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एमीटर इज अरेंज इन, जब भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं हम, एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो वोल्ट मीटर का भी आ सकता है, तो उस टाइम पे पैरेलल हम लिखेंगे। और द हाउस होल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाउस होल्ड में जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का वो पैरेलल में होता है हमेशा। आंसर इन वन वर्ड देना है अपने को, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम्ब होती है ऐसा यूनिट। राइट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर, तो V = IR आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में हाउ मच वोल्ट इज यूज इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में हमारे यहाँ पर जो है कितना वोल्टेज यूज़ होता है, तो 220 से 250 वोल्ट यूज़ होता है, इसका पूरा आंसर ये रहेगा। उसके बाद में 1 किलोवाट को, किलोवाट आर को हमें डिफाइन करना है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी = 3.6 × 10^6 जूल, और ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 3600 किलो जूल लिख सकते हैं, ये 1 किलोवाट आर के बराबर होता है। 1 जूल को डिफाइन करना है, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक यूनिट है। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स कॉज 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 न्यूटन फोर्स से जब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो 1 जूल एनर्जी वो कहलाएगी, या 1 जूल वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है मेज द कॉलम की तरफ आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था आपका, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जो है एम मीटर रिप्रेजेंट करता है, मेजर करता है। 1 किलोवाट आर 1 यूनिट कहलाती है, वोल्ट मीटर का आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस का आपका आ जाएगा ओम, इलेक्ट्रिक चार्ज का आ जाएगा कूलम, और इलेक्ट्रिक पावर का आ जाएगा वाट। तो कूलम की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है, तो मैं आपको बता दूँ, COULOMB कूलम ये होती है स्पेलिंग कूलम की। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 14 में से,
एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल देना है, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल, कुछ भी दे सकते हैं फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल दे सकते हो, एलपीजी दे सकते हो। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म लिखना है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। सीएनजी का फुल फॉर्म लिखना है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। वाट इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो द एनर्जी सोर्स दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली एंड रिप्लेस्ड बाय नेचर इज कॉल्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यह आ सकता है इसका। उसके बाद जो है राइट वन यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो है एक यूज़ लिखना है अपने को, इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में जो है यूज़ होती है, और कुछ भी सोलर वाटर हीटर वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में मैच द कॉलम पे चलते हैं, तो मैच द कॉलम में सबसे पहले कोल पेट्रोलियम, तो कोल पेट्रोलियम को हम जो है मिनरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। फॉसिल फ्यूल, कोल पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल होता है। एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिशन का एक एग्जांपल है, और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जांपल है। लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अब हम, चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 में द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 10% फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ऑक्सीजन के तीन एटम जब मिलते हैं तो ओजोन बनाते हैं, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इस बात को भी याद रखेंगे आप। वैल्यू ऑफ एनर्जी थाउजेंड फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल टू सेकेंड, यूँ बोला गया है कि वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है पहले ट्रॉपिकल लेवल से सेकेंड पर, तो हम जो है 1000 जूल लिखेंगे, बल्कि ये थोड़ा सा गलत है, आप इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, 10% लिखेंगे तो ही सही रहेगा यहाँ पर, और इसको सही ऐसा ही रहने देते हैं। तो कितनी एनर्जी जो है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक जो है ट्रांसफर होती है, तो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मेन कॉज क्या है, तो CFC है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद फिफ्थ है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एनर्जी ऑलवेज फ्लो यूनिडायरेक्शनल इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में फ्लो होती है। डैश एक्ट एज डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम कौन करते हैं, तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इसके बाद 16th वाली, उसमें सबसे पहले जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में जो है आपके आ जाएंगे विच इज़ द ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है वो बताना है अपने को, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। विच आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है इसमें से, तो पोटेटो है, प्लास्टिक भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है, और आयरन पाउडर भी नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बताना है अपने को, तो पॉलीथीन है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सेव नर्मदा आंदोलन इज रिलेटेड टू रिवर, तो सिंपल सी बात है, रिवर से ही रिलेट होगा वो। उसके बाद में जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर रीज़न फॉर नॉट पॉल्यूटिंग गंगा, मतलब जो गंगा को जो पॉल्यूट नहीं करता है तो उसका रीज़न क्या होना चाहिए, तो उसका रीज़न हो जाएगा वायरसेस, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड सेविंग रेन वाटर इज कॉल्ड, कलेक्टिंग और सेविंग ऑफ रेन वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है, डेफिनेशन भी है ये। डैश इज रिलेटेड टू चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किसने जो है स्टार्ट करवाया था, या फिर कौन उसके जो है वो फादर माने जाते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा इनका जो है आंसर आ जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई अवार्डेड इज रिलेटेड टू, इनको जो अवार्ड मिला था वो किस वजह से मिला था, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की वजह से मिला था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। एक दो बार कम से कम, दो दिन है अपने पास में अभी, तो 2-3 बार इसको सुन लीजिए, और उसके अलावा भी कोई सोर्स मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से हमें और ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं तो वहाँ से और डालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही।